बता दें कि अभी हाल ही में बांदा में रोडवेज बस व ट्रक की भिड़ंत में लगभग एक दर्जन यात्रियों की घटना घटी थी। इसी घटना के 24 घंटे बाद ही बांदा जनपद में फिर ट्रक से सड़क हादसे की घटना सामने आई। घटना बांदा जनपद के पबेरु थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां रोज की भांति डायल 112 की गाड़ी गश्त करने के लिए निकली हुई थी। वहीं शहर के बाहर जब पीआरवी की गाड़ी 0787 खड़ी थी, तभी अचानक पीछे से आ रहे बालू भरे ओवरलोड ट्रक 112 की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसे गाड़ी के बाहर निकलकर पीआरवी का जवान गश्त कर रहा था और वह ओवरलोड ट्रक आकर उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पीआरडी के जवान को उपचार के लिए आनन-फानन में बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बांदा के पुलिस अधीक्षक गणेश साहा ने बताया कि बबेरू के पास आज 112 डायल की गाड़ी पीआरवी नंबर 0787 में जवान गश्त करने के लिए निकले हुए थे, तभी ओवरलोड ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सिपाही की मौत हो गई। फिलहाल जनपद में बढ़ रहे सड़क हादसों के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल को नियुक्त किया गया है और जिस ट्रक के द्वारा इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया था उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जांच के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। उसी दौरान एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें जो हमारा ड्राइवर कांस्टेबल था वो गिर गया और उसके पैर के ऊपर उसके ट्रक के पहिए चढ़ गए। उसका इलाज सर्वप्रथम जिला हॉस्पिटल आके कराया गया और उसकी गंभीर दशा को देखते हुए तत्काल ही उसे प्रयागराज रेफर किया गया। वहाँ भी हमारी बातचीत हो गई है वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से और जितनी जो संभव इलाज हो सकता है इलाज कराया जा रहा है। ये संपूर्ण घटना में किस तरह ये घटना हुई थी और कैसे हम इस घटना से बच सकते हैं सर, किस तरह की दुर्घटना होते हैं, इसके लिए हमने एडिशनल SP बांदा को जांच सौंपी है और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हमें विचार करने का। क्या ट्रक वाला गिरफ्तार हुआ है? सारी चीजें जांच के दायरे में और जैसे ही आपके लिए अपडेट आएगा सभी बता दिया।